हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। आज आप देख रहे हैं परमाणु संरचना। आज हम बात करने वाले हैं परमाणु संरचना के बारे में। तो सर्वप्रथम आज हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसी हुई है, और इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम तथा इनका द्रव्यमान। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये तीनों कण जो है मूल कण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को किस प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनों को ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रोटॉनों को पी द्वारा तथा न्यूट्रॉनों को एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वे तत्व होते हैं जिनमें ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन वे तत्व होते हैं जिनमें धनात्मक आवेश होता है, तथा न्यूट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए इनका जो आवेश होता है वह उदासीन होता है। तथा इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है वह 9.1093 9 × 10⁻²⁸ ग्राम में है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वह 1.67262 × 10⁻²⁴ द्रव्यमान है, तथा न्यूट्रॉन की खोज 1.67493 × 10⁻²⁴। अब हम देखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की खोज कैसी हुई, इसके बारे में हम देखेंगे कि जो वैक्यूम ट्यूब है इसमें किस प्रकार किरणें प्रवाहित होती है। तो देखते हैं कि जो 19वीं शताब्दी में प्लंकर और क्रूक्स, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित करने के प्रयोग किए। साधारण दाब पर प्रायः सभी गैसें जो होती है विद्युत की कुचालक होती है। यदि एक लंबी नली ली जाए जिसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड लगे हों, जैसे चित्र में दर्शाया गया है, और इन इलेक्ट्रोडों पर लगभग 10,000 वोल्ट विद्युत विभव लगाया जाए, तो भी इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब यदि नली को एक निर्वात पंप से जोड़कर उसके पंप के अंदर की गैस का दाब कम कर दिया जाए, लगभग 1 mm यदि हम कम कर देते हैं, तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तथा नली से एक प्रकार रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। दाब को और भी कम कर दिए, जैसे कि लगभग 10⁴ वायुमंडल के यदि दाब कर दिया जाए, तो नली के अंतर्गत हरे और पीले रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। यह प्रतिदीप्ति कैथोड से निकली हुई कुछ किरणों के शीशे की नली पर लगे स्फुर दीप्त पदार्थ जो होता है जिंक सल्फाइड से बना हुआ होता है। तो ये जिंक सल्फाइड से टकराने के कारण जो होती है कैथोड किरणें उत्पन्न होती है। यही किरणें कैथोड किरणें कहलाती है। ये जो होती है ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन शब्द का जो जन्मदाता है वह स्टोनी है। तो इसको टॉपिक से हमें ये ज्ञात हुआ कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसी हुई, तथा इलेक्ट्रॉन शब्द का जन्मदाता जो है स्टोनी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की खोज के दौरान कैथोड किरणें उत्पन्न होती है जो कि ऋण आवेशित होती है। तो कैथोड किरणें में कौन कौन से गुण होते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि कैथोड किरणों में निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला है कि ये किरणें सीधी रेखा में गमन कर लेती है, इनका जो वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तथा ये किरणें द्रव कणों से मिलकर बनी होती है, और विद्युत क्षेत्र में यदि इन्हें लगाया जाती है धनावेश प्लेट की ओर मुड़ जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये किरणें ऋणावेशित कणों में बनी होती है या उससे मिलकर बनती है। ये किरणें धातु की पतली पत्ती को पार कर देती है और उसे हल्का गर्म, ये किरणें जो होती है कांच की नली की दीवारों पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें गैस को आयनित करती है और फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है। कैथोड किरणों के द्वारा एक्स किरणें उत्पन्न होती है। जब कैथोड किरणें किसी उच्च गलनांक की धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है, तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जो उच्च गलनांक की धातु है उस वह कैसी होती है, तो वह टंगस्टन टाइप में होती है, और तो इससे क्या होता है एक्स किरणें उत्पन्न होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रकृति के बारे में कुछ समझाने के। तो तापनिक जो उत्सर्जन होता है जब किसी धातु के तार को निर्वात के अंतर्गत गर्म किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि कुछ गैस उत्सर्जित होती है, इसे ही हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है कि जो प्रकाश इनकी कुछ आवृत्ति होती है, तो कुछ खास प्रकाश
किरणें जिसकी कुछ आवृत्ति होती है को धातु की सतह से टकराया जाता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव जो होता है साधारण प्रकाश की अपेक्षा जो परावैगनी प्रकाश है उसमें अधिक होता है। तो यह प्रभाव जो है प्रकाश की अपेक्षा परावैगनी प्रकाश में अधिक धातुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सीजियम एक धातु है जो क्षारीय प्रकार की होती है। तो सीजियम एक क्षारीय धातु है जिसका आयनन विभव सबसे कम होता है, सबसे सुगमता से प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है। अब कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिनकी प्रकृति कैसी होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ के अंतर्गत आते हैं रेडॉन, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। और रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं अल्फा, बीटा और गामा कणों से मिलकर बने होते हैं। अल्फा कण जो होते हैं धनावेश कणों से मिलकर बना होता है, बीटा कण जो है ऋणावेश कणों से मिलकर बना है, और जो गामा किरणें हैं जो होती है उदासीन होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि प्रोटॉन जो है प्रोटॉन की खोज कैसी हुई और प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो प्रोटॉन की खोज है गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में की है। प्रोटॉन की खोज के दौरान एनोड किरणों की भी उत्पत्ति हुई। एनोड किरणों को कैनोल के नाम से जाना जाता है। अगली है हमारी न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा हुई है। अगला टॉपिक है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार। तो हम देखते हैं कि जो परमाणु संख्या है उसे किस प्रकार लिखा जाएगा और किस प्रकार इसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो परमाणु संख्या है तो परमाणु संख्या को मोसले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है और समझाया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो परमाणु संख्या है परमाणु संख्या को किस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेश की संख्या। धन आवेश की संख्या मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या। तो जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेश की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो परमाणु की संख्या जो है वह नाभिक के अंतर्गत जितने भी धन आवेश है या प्रोटॉन की संख्या है उसके बराबर होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इससे हमें यह सिद्ध होता है कि जो परमाणु संख्या है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर है और परमाणु संख्या जो है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर है। अब देखते हैं कि जो धनायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हमको निकालना है तो हम परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु संख्या में से हम धनावेश संख्या को माइनस कर देंगे तो हमें धनायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाती है। इसी प्रकार ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि ज्ञात करना है तो परमाणु संख्या में से ऋणावेश संख्या को घटा देंगे तो हमें ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त। जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण के रूप में यदि कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 13 है तो हमें इसमें ज्ञात करना होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो हमने फॉर्मूले में ये देखा कि जितने परमाणु की संख्या है या परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। माना कि यदि परमाणु क्रमांक हमारा 13 है तो प्रोटॉन की संख्या भी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 13 होगी। अब हमारा अगला टॉपिक है कि जो द्रव्यमान संख्या है इसे किस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो द्रव्यमान संख्या को ही हम परमाणु भार, द्रव्यमान अंक, द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे हम ए प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसे डेफिनेशन के रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही उस तत्व या परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि परमाणु संख्या 13 दी है और परमाणु द्रव्यमान 27 दिया है तो इसमें हम फार्मूला लगाते हैं कि परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। तो दोनों का मान कितना है, परमाणु संख्या जो है 13 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 13 है, दोनों निकल जाएगा। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीन का सबका मान हो जाएगा 13। इसी प्रकार यदि परमाणु द्रव्यमान हमें निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान तो हमारे पे प्रश्न में दिया हुआ है 27 और परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। तो परमाणु द्रव्यमान की जगह हम रख सकते हैं 27 और प्रोटॉन की संख्या है 13, तो इससे हम न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो निकाल सकते हैं कि 14। यदि कोई तत्व इस प्रकार लिखा है सोडियम, सोडियम में यहाँ 11 लिखा है और यहाँ 23 लिखा है, तो इसका अर्थ होता है कि जो सोडियम परमाणु है इसका या तत्व है इसका परमाणु क्रमांक जो है 11 है और जो ऊपर लिखा है उसे हम परमाणु भार कहते हैं, इसका परमाणु भार जो है 23 है। अगला हमारा टॉपिक है समस्थानिक। तो समस्थानिक में देखते हैं कि एक ऐसा संख्या या एक ऐसा तत्व जिनके परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग
ना होकर बल्कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समस्थानिक मतलब होता है समान स्थान, इसे आइसोटोप भी कहते हैं। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो वे तत्व समस्थानिक तत्व कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। तो प्रोटियम को परमाणु क्रमांक एक, ड्यूट्रियम का परमाणु क्रमांक दो, ट्राइट्रियम का एक। तो प्रोटियम का जो यदि हम परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो अलग अलग है, एक, दो और तीन। इस प्रकार हमारा अगला टॉपिक है समभारिक। तो समभारिक में हम देखते हैं कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि समभारिक मतलब इसमें परमाणु भार जो होता है एक समान होता है और परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक जो है वो 18 है, पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का 20 है। और यदि हम इनके भार की बात करेंगे तो दोनों का परमाणु भार जो होता है, तीनों का परमाणु भार जो है वो 40 है। तो इस प्रकार हमने आज देखा परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो हमें यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए।